खबर भोपाल से है, जहां जिस विभाग में महिला ने 38 साल नौकरी की, उसी विभाग के अफसर ने महिला की मौत के बाद उसके बेटे से जीपीएफ क्लियरेंस के लिए 40,000 रुपए रिश्वत मांगी। घूस नहीं मिलने पर बेटे को काम नहीं होने की धमकी भी दी। मामला भोपाल के जल संसाधन विभाग की यूनिट विद्युत यांत्रिकी विभाग का है। मृतक महिला कर्मचारी के बेटे ने घूस देने के लिए हामी भरी और लोकायुक्त से शिकायत कर दी। लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर स्थापना प्रभारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त पुलिस ने उसे मिलन होटल के नीचे दबोचा। इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए होटल के फर्स्ट फ्लोर में एक कमरे में लेकर पहुंची। पुलिस ने उसकी वह पैंट उतरवाई जिसमें उसने घूस का पैसा रखा था। इसके बाद मोबाइल, बेल्ट, खुद के खर्च के लिए रखे पैसे बरामद किए। इस दौरान वह सिद्धार्थ को देखकर घूरता रहा। लोकायुक्त इंस्पेक्टर मनोज पटवा ने बताया कि फरियादी से आरोपी ने कई बार रिश्वत की मांग की थी। पैसा मिलने पर ही वह जीपीएफ क्लियर करने की बात कह रहा था। नीना के दो बेटे हैं, सिद्धार्थ उनका छोटा बेटा है। उनके नाम पर ही मां ने सर्विस बुक में नॉमिनी बनाया था, जिसे स्थापना प्रभारी मना कर रहा था। वह इसी के लिए पैसा मांग रहा था। सिद्धार्थ ने बताया कि पिल्लई उनकी मां को जानता था। मैंने कहा भी कि मां ने इतनी साल जिस विभाग में सेवा दी, उनके काम के लिए घूस मांग रहे हैं। इस पर पिल्लई कहता था कि मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता। 3 महीने से परेशान कर रहे थे मुझे कि आ जाइए कल आइए, और रेगुलर मैं चक्कर काट रहा था इनके ऑफिस के, बट ये काम कोई भी नहीं करने को तैयार था। जो भी बेनिफिट मिलना था इनको सिद्धार्थ सक्सेना जी को, उसको क्लियर करने के एवज में स्थापना प्रभारी जी के पिल्ली जी के द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।